अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, और इसी तरह अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, अपने घरों में शादोबाद रखे, आमीन। तो आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग ये कहाँ गए थे। हम लोग गए थे चेस शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने कहा चले उसकी थोड़ी सी जो है वीडियो मैं बना लूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों को दिखा दूं कि आजकल जो है वो चेस में क्या क्या न्यू वैरायटी आई हुई है, क्या क्या आया हुआ है। तो यहाँ हम लोग घर की ग्रॉसरी करने के लिए आए थे थोड़ी बहुत, तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेते हैं लगे हाथों के, आप लोगों को दिखा देंगे। तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि चलें चेस चलें चेस चलें, बहुत दिनों से हम लोग गए भी नहीं थे कुछ लेने के लिए, तो हमने कहा चलो चलते हैं अब। तो यहाँ पर ये देख रहे थे हम लोग सैनिटाइज़र वग़ैरह, और जो है वो हैंड वॉश हैं, और ये चीज़ हम लोग देख रहे थे यहाँ पे। और बच्चों को तो बस कोई चीज़ नज़र आ जाए तो कहते हैं भाई ये भी ले लें मम्मा, वो भी ले लें मम्मा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि कोई कुछ चीज़ जो है वो अगर समझ में आ जाएगी तो हम ले लेते हैं। ज़्यादातर शॉपिंग करने अगर हम जाएँ जो चीज़ हमें लेनी हो वो तो हम लेते ही हैं, उसके अलावा भी फिर हमें जो है वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आ जाती हैं, तो शॉपिंग जो है ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा ही हो जाती है। यहाँ पर सर्व के साथ इन्होंने जो है वो से मतलब लगाई भी थी, इन्होंने ऑफ़र लगाई भी थी कि उसके साथ उन्होंने जो है वो डिश वॉश बार वो जो होता है लिक्विड वो उसके साथ फ्री दे रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग टिश्यू बॉक्स देख रहे थे कि किचन वगैरह में काम आते हैं टिश्यू, और जो है बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पर मेरी छोटी वाली बेटी जो है वो ज़रा थोड़ी सी तेज़ है, तो वो मुझे पेमेंट वो दिखा रही थी प्राइस लिखे हुए कि मम्मा देखे इसके प्राइस ये हैं, इसके प्राइस ये हैं। और यहाँ पर बिल्लियों का थोड़ा बहुत खाना रखा था, तो मैंने कहा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पे बर्थडे के लिए जो है वो डेकोरेशन का सारा सामान रखा हुआ था यहाँ पर, तो जो किसी को अगर चाहिए तो वो चेस में आके ये शॉपिंग कर सकता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर बच्चों के बर्थडे के लिए। और फिर हम ये पत्ती के सेक्शन में आ गए थे, यहाँ पर चाय वगैरह की पत्तियाँ रखी हुई थी। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि किस पत्ती के क्या प्राइस हैं, और मैं तो इनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं करती, मैं जो है वो तेज़ दम पत्ती जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। बस देख रहे थे ऐसे ही कि अंदाज़ा हो जाता है इंसान को कि जो है ना क्या कीमत है, अगर पूछता है कि आप लोग चेस गए थे तो बताइए इनकी क्या प्राइस हैं, तो फिर उनको बता देते हैं। तो इस तरह जो है वो देख लेना चाहिए हर चीज़ के प्राइस। और मैं जहाँ पे भी कहीं पे भी शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ तो मैं प्राइस ज़रूर देखती हूँ, अगर वो चीज़ मुझे नहीं लेनी है फिर भी मैं उसके प्राइस देख लेती हूँ। इससे जो है अपनी नॉलेज में इजाफ़ा होता है, और अगर दूसरा कोई हमसे कुछ पूछे तो हम उसको बता सकते हैं कि हमने फ़लाँ चीज़ जो है वो उस जगह पर हमने इतने की इतने प्राइस की देखी थी, और फिर कहीं और वो चीज़ अगर हम ले लें वहाँ से तो वो प्राइस हमें पता होते हैं कि ये वहाँ तो इतने प्राइस की थी और यहाँ पे इतने प्राइस की है, तो डिफरेंस जो है वो हमें पता चल जाता है। यहाँ आ गए थे हम बच्चों के सेक्शन में, यहाँ पे सारी खाने पीने की बिस्किट वगैरह और सारी चीज़ें थी। और इस सेक्शन में आके तो बंदा बच्चों के साथ आए तो वो फंस जाता है कि बच्चे कहते हैं भाई ये लें वो लें, और यहाँ पर ये टॉफियाँ वगैरह चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई थी, और बच्चों का दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से जाने के लिए। और यहाँ पे अचार रखे हुए थे, मुझे लेना था नेशनल का अचार बाइट्स वाला जो आता है ये वाला, तो ये बड़ी बोतल थी तो मैंने कहा इतनी बड़ी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, तो छोटी बोतल जो है वो इसका जो है वो नहीं था, छोटे जार भी नहीं था इसका और पाउच भी नहीं था इसका। और ये दूसरे थे तो मैंने कहा ये मैं नहीं ले रही हूँ, तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा ले लें अचार यही वाला आप बड़ा वाला ही, तो कि यूज़ में आ जाता है हर चीज़ के साथ ही, मतलब कभी कोई चीज़ का दिल नहीं चाह रहा हो तो उसके अचार के साथ खा लिया जाए तो खा लिया जाता है। और यहाँ पर जो है यहाँ पे भी इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी, और कुछ जगहों पे इन्होंने किसी के साथ जो है वो कोई पैकेट रखे हुए थे, कोई चीज़ रखी हुई थी उसकी ऑफ़र लगाई हुई थी, और किसी के साथ जो है वो नहीं प्राइस जो है वो कम करे हुए थे किसी के, तो सही लगा। बस यहाँ पे हमें जाकर ज़्यादातर तो मैं जो है वो ये अब जब से महंगाई इतनी हुई है, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, तो इंसान सोचता है कि दो पैसे हम लोग कम की चीज़ ले लें। तो जब से मैं जो है अब ये चेस वगैरह यहाँ पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ कम में मिल रही होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दूसरी कहीं और जगह से लें शॉपिंग शॉप वगैरह से, तो वहाँ पे कम में होती हैं। तो बस मैं लास्ट टाइम यहाँ पर गई थी, अब उसके बाद तो मैंने कहा कि अब यहाँ पर हम यहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि जो है ना हर कोई ये चाहता है कि हमें कम प्राइस में जो है वो चीज़ मिल जाए,
और हम वो ले लें, अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती है। तो बस यहाँ से चीज़ों के हमने शॉपिंग वगैरह तो अपनी कर ली थी ग्रॉसरी की, और बस हम यहाँ पे देख रहे थे चीज़ें। यहाँ पे मुझे बेडशीट वगैरह नज़र आई थी, तो बेडशीट भी सारी यहाँ पे अच्छी थी, बहुत ही प्यारी थी, कलरफुल थी, और डिज़ाइन वगैरह भी बहुत अच्छे थे बेडशीट के। और यहाँ पे बच्चे पिलो वगैरह देख रहे थे कि इनको अच्छे लग रहे थे पिलो, के मम्मा ये पिलो जो है ना वो हमारे लिए ले लीजिए। और यहाँ पे फिर हम स्लीपर वगैरह देखने आ गए थे, लेकिन यहाँ पे स्लीपर की वैरायटी जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगी। और यहाँ पे मुझे स्लीपर्स जो है वो, एक तो इनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे, और उसके अलावा मुझे जो है ना इनके डिज़ाइन वगैरह जो है वो मुझे पसंद नहीं आए, तो स्लीपर्स जो है वो मैंने नहीं ली यहाँ से, मुझे अच्छे नहीं लगे इनके डिज़ाइन। पहले एक दो दफ़ा मैं गई हूँ तो यहाँ पे स्लीपर्स के डिज़ाइन वगैरह जो है वो अच्छे थे, लेकिन अब जो है इस दफ़ा उनके डिज़ाइन अच्छे नहीं आए। तो हो सकता है कि ईद की जो है वो, ईद पे इन्होंने अच्छे मतलब यहाँ पे डिज़ाइन लगाए हुए हों, अब जो है जो बच गए हों वो इन्होंने लगाए हुए थे यहाँ पे, लग रहा था। तो मुझे जो है स्लीपर्स के जो है वो डिज़ाइन मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आए। और अगर आप लोग भी जाएँ तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आपको पसंद आए तो आप चले जाएगा लेने के लिए। और यहाँ पे हम जो है कुछ ये जो है चूड़ियाँ वगैरह देखने के लिए आ गए थे हम यहाँ पर। ये स्टील की चूड़ियाँ होती हैं कुछ, ये मतलब ये कि गोल्डन में होती हैं, सिल्वर में होती हैं यहाँ पर, तो हम ये देख रहे थे। और अच्छे प्राइस में थी ये, और अच्छी भी थी, जैसे मतलब आप कहे कि आजकल तो गोल्ड पहनना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, गोल्ड जो पहन के घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, तो ये इस तरह की थी कि अगर आप ये पहनेंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पे बच्चे भी अपनी चूड़ियाँ देख रहे थे, पसंद कर रहे थे कि इन लोगों को डिज़ाइन वगैरह पसंद आ जाए, तो ये लोग कह रही थी कि हम ले लेंगे। और हमने भी जैसे डिज़ाइन वगैरह देखे थे कुछ, और एक दो कड़े के साथ जो है चूड़ियाँ थी वो डिज़ाइन हमें पसंद आए थे, तो वो फिर हम लोगों ने परचेस कर लिए थे। और यहाँ पे ये बच्चों की छोटे छोटे कड़े थे, पोनियाँ वगैरह थी, हेयर बैंड थे, ये चीज़ें हम देख रहे थे। और यहाँ पर जो है सारे जो है वो मतलब एयर रिंग वगैरह थे, टॉप्स थे, और अच्छे थे यहाँ पे भी। इनके भी प्राइस जो है कुछ ज़्यादा नहीं थे, मतलब रिजनेबल प्राइस में थे, और कोई कुछ 250 तक के थे, 200 तक के थे, 300 के थे, 399 के थे, इस तरह के जो है मतलब यहाँ पे ये एयररिंग्स वगैरह लगे हुए थे। और ये बच्चों की मालाएं वगैरह टंगी हुई थी यहाँ पर, पोनियाँ थी। ये चीज़ें जो है छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ चेस वगैरह से नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है थोड़ी जो है वो इनके प्राइस जो है ज़्यादा होते हैं। अगर आप शॉप से लें या किसी जाके स्टॉल वगैरह से लें तो वहाँ पर ये आपको कम प्राइस में मिल जाती हैं। और यही चीज़ होती है वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे बस ये है कि जगह की बात होती है तो ये के थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे जो है वो एक स्टॉल लगाया हुआ होता है या शॉप होती है तो वहाँ पे थोड़े से प्राइस कम हो जाते हैं। चीज़ जो है वो एक जैसी ही होती है। तो मैं और बच्चों की छोटी छोटी चीज़ होती है, यूँ ही बच्चे ख़राब कर देते हैं, टूट जाती हैं, ख़राब कर देते हैं, खो देते हैं बच्चे अक्सर, तो बच्चे ज़्यादातर चीज़ें जो ऐसी खो देते हैं और फिर दोबारा नहीं मिलती है, तो ज़्यादा महंगी लेने से फ़ायदा मतलब कुछ नहीं है। तो मैं इसलिए ये है कि छोटे मोटे स्टॉल वगैरह से इन लोगों की नहीं ये चीज़ें ले लेती हूँ। और अब हम यहाँ पे जा रहे थे आगे कपड़े वगैरह के सेक्शन में, कुर्तियाँ वगैरह भी मुझे यहाँ पे अब कुछ ख़ास नहीं लगी, बच्चों की भी वैरायटी में कुर्तियों में और छोटे बच्चों के कपड़े वगैरह जो है कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थे यहाँ पर अभी, और जो है नहीं पसंद आए मुझे यहाँ पर, ना ना उनके डिज़ाइन अच्छे थे, ना कपड़ा अच्छा था, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर भी बच्चों के कपड़े वगैरह नहीं लिए। और यहाँ पे ये छोटे छोटे बॉक्स वगैरह रखे हुए थे और कम प्राइस में थे, ये भी इतना ज़्यादा मतलब ये 3 के सेट थे, हर बॉक्स का जो है ना वो 3 का सेट था यहाँ पर। और यहाँ पे मेरी बेटियाँ जो है वो मुझे ले जा रही थी अपने मतलब की चीज़ों के पास, खिलौने, खिलौनों का जो इनका सेक्शन बना हुआ है ये लोग मुझे वहाँ ले जा रही थी कि मम्मा वहाँ पर खिलौने वहाँ चले। और ये यहाँ पर जो है इनके पॉपेट वगैरह रखे थे, और जहाँ बच्चों को बस ये चीज़ नज़र आ जाए तो बच्चे चाहते हैं कि बस हम यहीं पे रहें और यही चीज़ें लें और यही चीज़ें देखते रहें। और जब इस जगह पे चले जाए ना आप, जहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह हो, तो वहाँ पे फिर आपका बजट जो है वो ज़रूर आउट हो जाता है, और कुछ ना कुछ बच्चों को ज़रूर लेना होता है। और ये डॉल वगैरह जो यहाँ पर मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन जो है वो यही बात के ये यहाँ पर जो है खिलौने बच्चों के बहुत ज़्यादा महंगे थे और बहुत ज़्यादा प्राइस थे। ये इस तरह की जो कैट थी ये इन्होंने, मेरी बेटी ने ली थी, ये इनको बहुत अच्छी लगी थी और मुझे भी बहुत प्यारी लग रही थी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी थी और इतनी खूबसूरत थी ये बिल्ली, तो मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैंने कहा चलो आप ये ले लो। और ये टॉयज़ वगैरह जो थे बच्चों के, ये छोटे बच्चों के थे, मेरी बेटियाँ माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हो गई हैं तो उन लोगों के लिए नहीं थे ये।
और यहाँ पर मुझे ये साइकिल जो है इतनी प्यारी लगी थी कि शोपीस के तौर पे आप ये साइकिल अपने पास रखें, अपने कमरे में, ड्राइंग रूम में सजाएं, इतनी प्यारी लग रही थी ये। बिल्कुल हर चीज़ जैसे आपकी जो ना असली बड़ी वाली साइकिल होती ना, बिल्कुल वैसी थी, हर चीज़ थी साइकिल के अंदर। मुझे बहुत ये साइकिल जो है वो पसंद आई थी। और यहाँ पर जो है वो बच्चों के छोटी छोटी गाड़ियाँ रखी हुई थी और छोटे हेलीकॉप्टर हैं और जहाज़ वगैरह जो है, ये चीज़ें बच्चों की यहाँ पे रखी हुई थी। और बच्ची मेरी जो बेटियों का जो दिल जो है वो यहाँ से नहीं चाह रहा था कि हम यहाँ से जाएं और अपने जो है वो ग्रॉसरी वगैरह का जो ना बिल बनवाएं, बस ये चाह रही थी कि बस हम यहीं पर घूमते रहें और यहाँ से बस ये ले लें वो ले लें। और जो है ये लोग कह रही थी कि बस यहाँ से मुझे हमें खिलौने लेने हैं, और बच्चों को तो जितने भी खिलौने वगैरह दिला दो उतने ही उनके लिए कम होते हैं। और बार बार मुझे बस लेके आ रही थी कि मम्मा यहाँ पे चलें हमें ये चीज़ लेनी है, मम्मा यहाँ पे चलें हमें ये चीज़ लेनी है। और बड़ी बेटी मेरी इतनी ज़्यादा नहीं करती जितनी छोटी वाली करती है कि उसको बस हर चीज़ चाहिए होती है उसको, और वो कहती है कि जो ना बस। और यहाँ पे ये शेर रखे हुए थे, इतने क्यूट लग रहे थे ये, तो मैंने कहा चलिए इसकी भी छोटा सा एक क्लिप बना लेती हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं कि इसका क्लिप बना कर। और यहाँ पर ये बड़े वाले पॉपिट रखे हुए थे, ये इस सेक्शन में मुझे लेकर आ गई थी कि मम्मा ये देखिए यहाँ पर बड़े पॉपिट रखे हुए हैं, हमें ये भी चाहिए। और इतने सारे इनके पास हैं फिर उसके बावजूद जो है ना इनको जब भी जाएं तो पॉपिट इनको ज़रूर लेना होता है। और यहाँ पे जो है कुछ ये शर्टें वगैरह थी, लेडीज़ थी ये, और इनका कपड़ा जो है मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत सॉफ्ट इनका कपड़ा था और बहुत अच्छी मुझे लगी थी ये। सिर्फ एक यही मुझे कपड़ों के सेक्शन में चीज़ पसंद आई थी, इसके अलावा तो मुझे और जो है ना कुर्तियाँ वगैरह कपड़े वगैरह जो है वो पसंद नहीं आए थे। तो ये देखिए मेरी छोटी वाली बेटी मुझे वापस जो है वो खिलौनों के सेक्शन में ले आई थी और ये मुझे चीज़ें दिखा रही थी कि मम्मा मुझे ये दिला दीजिए, मम्मा मुझे वो दिला दीजिए। और तो बस मैं इनका भी मैं यहाँ लाकर इनको दिल बहला रही थी कि आप देख लो। और ये देखिए यहाँ पे रक्षा रखा हुआ था और ये जो है सेल से चलने वाला था, इतना प्यारा लग रहा था ये छोटा सा रक्षा कि मुझे बहुत पसंद आया था ये। और बस बच्चों के खिलौने तो आप देखें, जितने आप देखें उतने अच्छे लगते हैं, जाहिर सी बात है बच्चों के खिलौने होते हैं कलरफुल होते हैं और अच्छे होते हैं, तो दिल चाहता है कि बच्चों के लिए हम भी ले लें ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर अपना बजट भी देखना पड़ता है कि बस थोड़ी बहुत चीज़ें बच्चों को यहाँ से छोटी मोटी मैंने दिला दी थी। और बस छोटी मोटी चीज़ें लेने के बाद भी इनका दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से कि ये यहाँ से जाएँ, और मैं इनको ज़बरदस्ती लेके जाना चाह रही थी। और ये सामने जो है वो टंगा हुआ था पिंक पैंथर, मुझे पिंक पैंथर इतना प्यारा लग रहा था ये। और उसके बाद फिर ये हमें स्टेशनरी के पोर्शन में लेकर आ गई थी कि मम्मा यहाँ से मुझे दिखा दिला दें, और मेरी बेटियों को बस स्टेशनरी कहीं नज़र आ जाए तो वो जान नहीं छोड़ती हैं, उनको इतनी पसंद है ना, भले घर में कितनी भी स्टेशनरी रखी हुई हो बस जाना है शॉप पर और वहाँ पर उनको लेनी ज़रूर है। और ये फर्स्ट टाइम मैंने ये स्टेशनरी का जो है यहाँ पे पोर्शन देखा था, वरना मैं इस तरफ जो इन्हें नहीं आती हूँ। और जो है यहाँ पे मैं वो लेकर आई मुझे, और यहाँ से इन्होंने कहा कि हमें मम्मा ये भी लेना है वो भी लेना है। और यहाँ पे स्टेशनरी का सामान भी जो है बच्चों का मुझे थोड़ा महंगा लगा, और हर चीज़ जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो जो हम शॉप वगैरह से लेते हैं तो वहाँ से थोड़ी चीज़ जो है वो मुझे महंगी लगी, लेकिन चीज़ अच्छी थी। तो अगर अच्छी चीज़ हो और अगर वो थोड़ी महंगी हो तो वो क्वालिटी अगर उसकी अच्छी हो तो वो ज़्यादा दिन चल जाती है, और अगर चीज़ अच्छी ना हो और महंगी हो तो फिर उसका लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा देर तक वो जो है वो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बच्चों की चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि थोड़े दिन तक हमें चलानी होती हैं, लेना होता है कि बच्चे जो है ना जल्दी जो है ना चीज़ ऐसी लेनी होती है क्वालिटी वाइज अच्छी हो, ताकि बच्चे जो है उसको ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकें और ज़्यादा देर तक उसको इस्तेमाल कर सकें और उनके पास वो रहे। और ये डिबिया वगैरह ही थी यहाँ पर, इनके भी प्राइस इतने ज़्यादा नहीं थे, कम प्राइस में थी ये भी। और अब तो स्कूल बच्चों के खुलने वाले हैं तो बच्चों को ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, नए सिरे से बैग चाहिए और स्टेशनरी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है अपने जो है ग्रॉसरी का जो है बिल बनवाने के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पर हमें मसालों का सेक्शन नज़र आ गया था और हम मसाले लेना भूल गए थे, मसालों के पैकेट वगैरह, तो मैंने कहा यहाँ से हम लोग ये ले लेते हैं। और इसके सामने ही जो है वो काउंटर है, वहाँ पे जो है वो हम बिल बनवाते हैं वहाँ पे जाके, तो हमने कहा चलो यहाँ पे जो है वो हम बिल बनवा लेते हैं। और जब बिल बनाने के लिए हम लोग गए वहाँ पर, तो वहाँ पे भी बच्चों को जो है वो चीज़ें नज़र आ गई, आइसक्रीम नज़र आ गई और ये जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह नज़र आ गई, तो इन लोगों ने कहा कि मम्मा हमें कोल्ड ड्रिंक दिला दो, तो फिर इन लोगों को जो है यहाँ से हमें कोल्ड ड्रिंक भी दिलानी पड़ी। जाहिर सी बात है बच्चे जब ज़िद करते हैं और देखते हैं कि हम ऐसी जगह पर हैं कि
पेरेंट जो है वो हमारी ज़िद को ज़रूर पूरा करेंगे, तो वो फिर करना पड़ता है। अगर ये शॉपिंग करने के लिए आए तो बच्चों के लिए तो हर चीज़ करते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ऊपर जो है ये पोर्शन बना हुआ है चेस में ही, ये ऊपर पोर्शन बना हुआ है बच्चों का, और यहाँ पे जो है वो बच्चों की बहुत अच्छी जो है वो जगह है ये। और आप लोग जब चेस आएँ और शॉपिंग करने के लिए आएँ तो यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में फर्स्ट फ्लोर पर ये, यहाँ पर बच्चों को आप लोग ज़रूर लेकर आइएगा, छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पर और बड़े बच्चों के लिए भी। यहाँ पर एक गेम वगैरह भी है यहाँ पर, और कुछ झूले भी हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छी चीज़ जगह है ये। और यहाँ पर जो है वो ये कार्ड बना कर देते हैं, 500 से अबव कार्ड एक बनता है, और वो कार्ड जो है वो आपका लाइफ टाइम जो है वो हमारा मतलब रहेगा। उसके अंदर जो है बैलेंस जो है वो हमारा 600 का आता है, और वो बैलेंस जब अगर हम पूरा यूज़ कर लें तो उसके बाद जो है फिर हम उसमें और बैलेंस डलवा सकते हैं। और बैलेंस के जो है वो स्टार्टिंग जो है वो 10 रुपये से लेके आप जितना चाहें उसमें आप अपना कार्ड में बैलेंस डलवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम बच्चों को ये चीज़ें दिखा रहे थे, और जो ना इससे अभी तो मैंने कार्ड नहीं बनवाया, इससे पहले मैंने कार्ड बनवाया था बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो घूम रहे थे और देख रहे थे कुछ, और छोटी वाली बेटी को मेरे ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का, तो बस ये खेलते वेलते कर रही थी यहाँ पर, ये खेल रही थी यहाँ। तो यहाँ पर जो है हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। आपको वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अब दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।